ओके बच्चों, अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ऑन लीनियर एक्सपेंशन। तो क्वेश्चन को जिस प्रकार से है, क्वेश्चन में हमें दिया है, अ ब्लैकस्मिथ फिक्सेस आयरन रिंग ऑन द रिम ऑफ द वुडन व्हील ऑफ अ हॉर्स कार्ट एंड द डायमीटर ऑफ द वुडन व्हील एंड द आयरन रिंग आर 5.243 मीटर एंड 5.231 मीटर रिस्पेक्टिवली। दैट मीन्स वुडन व्हील का जो डायमीटर है वो आयरन रिंग के डायमीटर से थोड़ा सा बड़ा है। तो हमें पूछ रहे हैं कि हमें कितना हीट करना चाहिए इस आयरन रिंग को सो दैट वो एक्सपैंड होके इस वुडन व्हील के ऊपर चढ़ जाए और ब्लैकस्मिथ हॉर्स कार्ट बना ले। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, डायमीटर ऑफ द आयरन रिंग हमें पता है विच इज 5.231 मीटर, डायमीटर ऑफ द वुडन व्हील भी पता है हमें 5.243 मीटर। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें जो लेंथ LT1 है विच इज 5.231 मीटर, इस LT1 लेंथ वाले आयरन रिंग को एक्सपैंड करके LT2 दैट इज 5.243 मीटर के बराबर लाना है। तो चेंज इन लीनियर एक्सपेंशन की इक्वेशन से हम लिख सकते हैं LT2 इज इक्वल टू LT1 इंटू 1 प्लस अल्फा L इंटू T2 माइनस T1 दैट इज डेल्टा T, एंड यही हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा T। यहां पर LT2 पता है, LT1 पता है, अल्फा L हमें पता है फॉर आयरन दिया हुआ है इक्वेशन में, T2 की वैल्यू हमें निकालनी है, T1 हमें 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, तो सॉल्व करने पर T2 की वैल्यू आ जाती है अप्रॉक्सीमेटली 218 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके बच्चों, तो जब ये चैप्टर हमने चालू किया था तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि ब्लैकस्मिथ आयरन रिंग को हीट क्यों करता है वुडन व्हील के ऊपर चढ़ाने से पहले। तो उसका आंसर यही है कि जब हम आयरन को हीट करते हैं तो वो अच्छे से एक्सपैंड हो जाता है, और थोड़ी देर बाद जब कूल होता है तो वो अच्छे से व्हील के ऊपर टाइटली चढ़ जाता है। दैट इज वाई द ब्लैकस्मिथ हीट्स द आयरन रिंग, वो पहले से भी बड़ा साइज लेके उसको कूल नहीं करता है। वी एक्सपैंड इट बाय हीटिंग एंड देन वी कूल इट बाय ब्रिंग इट डाउन टू द नॉर्मल टेम्परेचर।